भिवानी पहुंचे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ओलंपिक विजेताओं को बधाई दी, साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने को सही बताया। उन्होंने हरियाणा में पुलिस भर्ती का पेपर आउट होने पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही और पूर्व सीएम ओपी चौटाला के तीसरे मोर्चे व गठन पर निशाना साधा, साथ ही आने वाले यूपी विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत का दावा किया। बता दें कि रविवार को कृषि मंत्री जेपी दलाल अपने आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने यहां जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जेपी दलाल ने मीडिया से बातचीत में ओलंपिक विजेताओं को बधाई देते हुए विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ये देश किसी एक परिवार का नहीं है। जेपी दलाल ने सबसे पहले ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, रवि दहिया व हॉकी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि पहली बार इतने ओलंपिक मेडल आने से युवाओं में खेल के प्रति रुझान बढ़ेगा और आने वाले ओलंपिक में और ज्यादा मेडल आएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा हरियाणा सरकार की खेल नीति के चलते हुआ है। ऐसे में देश की प्रत्येक प्रदेश सरकार को हरियाणा की खेल नीति अपनानी चाहिए। साथ ही खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदले जाने को लेकर जेपी दलाल ने सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ये कहां तक उचित है कि देश में हर खेल, यूनिवर्सिटी, हवाई अड्डा, पार्क व हर परियोजना का नाम एक परिवार से हो। जेपी ने कहा कि इतने बड़े देश में बहुत से महापुरुष हैं जिनका नाम भी आगे याद रहना चाहिए। वहीं कल हरियाणा में पुलिस भर्ती की परीक्षा का पेपर आउट होने पर जेपी दलाल ने कहा कि हरियाणा में बिना पर्ची व खर्ची के नौकरी दी जा रही है। ऐसे में ये गलत व गैर कानूनी काम करने वालों के खिलाफ कानून अपना काम करेगा और किसी भी योगा युवा के हकों को किसी भी तरीके से पैसे से खरीदने नहीं दिया जाएगा। वहीं उन्होंने पूर्व सीएम ओपी चौटाला के जेबीटी भर्ती घोटालों में जेल से रिहा होते ही तीसरे मोर्चे के गठन के प्रयासों पर कहा कि कहां का तीसरा मोर्चा। ओम प्रकाश चौटाला को मोर्चा बंदी करनी है तो पहले अपने घर से करें। ओलंपिक में जो एक इतिहास रचा है हरियाणा के बेटे नीरज चोपड़ा ने, बजरंग पूनिया ने, उससे पहले हमारी रवि दहिया ने और हमारी हॉकी की टीम ने, महिला हॉकी की टीम ने, एक उम्मीद जगी है कि मेडल का जो सूखा रहता था हमारे देश में वो ख़त्म होगा, खेलों के प्रति युवाओं का आकर्षण बढ़ेगा और आने वाले वक्त में हमारे नौजवान बच्चे मेडलों की भरमार लगाएंगे। सारा देश इन युवा खिलाड़ियों के परिवार वालों का, माता पिता का धन्यवाद करता है और जो इन्होंने पसीना बहाया है, जो झील दिखाई है मेहनत करके, सारा देश इनको धन्यवाद अदा करता है। और ऐसे खिलाड़ियों का जो तिरंगे की शान में अपना जीवन लगाते हैं, सारे देशवासियों को सम्मान करना चाहिए और हरियाणा सरकार की जो खेल नीति है वो सर्वश्रेष्ठ है। देश में सबसे ज़्यादा ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल आता है उसको 6 करोड़ रुपये, सिल्वर वाले को उससे कम, ब्रॉन्ज वाले को, और इवन जो पार्टिसिपेंट हैं हमने 5-5 लाख रुपए तो जो बच्चे थे उनको पहले ही दे दिए थे कि ताकि उनको किसी तरह की कोई समस्या ना आए। हरियाणा सरकार ने जो खेल के बारे में नीति बनाई है, मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके सारी प्रदेश सरकारें इसको अपनाएंगी और आने वाले वक्त में जो है खेलों की दुनिया में भारत का नाम जो है बहुत ऊपरी उसमें श्रेणी में आएगा। सर, ओलंपिक सरकार की नीति है कि बगैर खर्ची, बगैर पर्ची के, बगैर भेदभाव के, योग्यता के आधार पर नौकरी देना। और अब तो हमने बोल दिया है कि हम कोई इंटरव्यू भी नहीं लेंगे, तो इसलिए जहाँ भी लिखित परीक्षा शंका के दायरे में आएगी, पारदर्शिता को देखते हुए कहीं भी अगर कोई शंका होती है तो उसको कैंसिल करना उचित है। और जिस किसी ने भी बेईमानी की है, कानून अपना काम करेगा और हमारे जो नौजवान हैं, जो प्रतिभागी हैं, जो योग्य हैं, उनके हक को कोई पैसे के दम पर खरीदना चाहता है वो नहीं होने दिया जाएगा।